आप लोग को मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 12 जादू। तो इस चैनल मतलब इस वीडियो से पहले आप लोग को मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिट्टी से पौधा निकला, पौधे पर एक फूल खिला, उसे हवा ने सहलाया, चिड़िया ने गाना गाया, जादू है जी जादू है। ये पहला। फिर दूसरा, वह देखो सूरज निकला, सोने के रथ पर बैठा, इधर चला फिर उधर चला, धूप खिली वह जिधर चला, जादू है जी जादू है। ये दूसरा। फिर तारे कौन बनाता है, धरती कौन सजाता है, बादल कौन बनाता है, कोई नहीं बताता है, जादू है जी जादू है। ये तीसरा हो गया। अब चौथा, देखो तुम इस जादू को, परखो तुम इस जादू को, जो भी इसे देखता है बदले में क्या पता है, जादू है जी जादू है। इसे किसने लिखा है? दामोदर ने अग्रवाल, दामोदर अग्रवाल। आपको उनकी पिक्चर दिखाऊं? ये देखिए दामोदर अग्रवाल। दामोदर अग्रवाल का जन्म 4 जनवरी को हुआ था। और देखिए आप लोग को, और उनकी मित्र 1 जनवरी को हुआ था। देखिए जनवरी जनवरी है ना, तो 1 जनवरी में कितने हो जाएंगे? 3 दिन में मर गए थे वो। तो आप लोग इसे देखिए और समझिए और अपने बच्चों को भी बताइए। तो इसका क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं अब। तो क्वेश्चन आंसर पहला है, मिट्टी से पौधा निकलने पर क्या हुआ? मिट्टी से पौधा निकलने में क्या हुआ? मिट्टी से पौधा निकलने पर पौधे पर एक फूल खिला। आपको पोएम बताए थे ना। तो सूरज के उगने पर क्या हुआ, क्या हुआ सूरज के उगने पर? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये तो आप लोग को खुद ही दिख रहा है तो बता दीजिए। सूरज के उगने पर धूप खिली, फिर उसके बाद क्या है? तारे और बादल कहाँ देखते हैं? तारे और बादल आसमान में दिखते हैं। कवि किसके जादू को परखने की बात कर रहा है? आपको तो ये नहीं उसमें बताया था ना। कवि भगवान के जादू को परखने की बात कर रहा है। तो देखिए इसमें पोयम से कुछ सवाल हैं। तो कवि कवि को बताना है, आप लोगों को सुनाया था ना, उसे ने सहलाया, किसने सहलाया? हवा ने। चिड़िया ने गाया, क्या गाया? गाना। इधर चला फिर उधर चला, धूप खिली वह जिधर चला। तो आपको इसमें बताना है कि जब पौधों को क्या ज़रूरत होती है, खासकर हवा की, पानी की और सूरज। रुकिए आप लोग को क्वेश्चन बताती हूँ, अब बताइए हवा की या पानी की या चिड़िया की या सूरज की रोशनी की या माखन की या खाल की? तो आप लोग बताइए आपका कमेंट। आपको समय है अब। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसको पौधे को हवा की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। तो बाय फ्रेंड्स, आप लोगों को कमेंट अब मिल जाएगा, मेरे में पहले नहीं था। तो बाय फ्रेंड्स।